नरेंद्र मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी 2.0 का ये पहला साल है। कई लोग कहते हैं कि जितनी दिक्कत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने पहले 5 सालों में झेली हैं, उससे कई ज्यादा दिक्कतें इसे 1 साल में झेल चुके हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ जी, आप इस सरकार में रक्षा मंत्री हैं, आप भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं। ये कहा जाता है कि जैसे ही आपका 1 साल पूरा हुआ, आपने समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करा इस सरकार ने। आते ही आपने आर्टिकल 370 को हटाया, आते ही आपने रफाल जेट्स लिए, तो आप अपनी भाषा में अपने 1 साल को कैसे समराइज करते हैं राजनाथ जी? वैसे प्रायः जनता इस बात की चर्चा करती थी कि भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी, यानी वर्ड्स एंड डीड्स में बहुत अंतर रहता है, यानी जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। लेकिन पिछले 1 वर्ष में ही नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूँ उसके पहले के 5 वर्षों में भी हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में यह स्पष्ट कर दिया है कि हम जो कहते हैं वह करते हैं। यानी कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स के अंतर के कारण भारत की राजनीति में जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, उस विश्वास के संकट को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उस संकट को समाप्त करने में भी हमने कामयाबी हासिल की। अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन मुद्दों की हम लोगों ने चर्चा की थी, उन मुद्दों पर हमने काम करके उसे पूरा किया है, यानी अपने वादे को हम लोगों ने पूरा किया है। पूरा किया है राजनाथ जी, लेकिन एक और सवाल ये उठ जाता है, क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं, सबकी निगाहें आप ही पर उठती हैं, कि चीन जिस तरह से पाकिस्तान को, तो आपने बिल्कुल जी राजनाथ जी, और एक सवाल उठ खड़ा होता है, क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं, सभी की निगाहें आप पर उठती हैं, कि जिस तरह से पाकिस्तान को तो आपने एक सबक सिखा दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है, लोगों के अंदर एक थोड़ी सी हलचल तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर उठ रहा है कि इस चीन से कैसे निपटा जाएगा। राजनाथ जी, आप इस बात की चिंता मत करिए, हमारी सरकार किसी भी सूरत में भारत इस देश के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देगी। जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच इसके पहले भी बराबर फेस ऑफ होता रहा है और पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2017 की डोकलाम की भी, लेकिन दोनों देशों के बीच एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तंत्र है, जिस तंत्र का उपयोग करके हम अपनी समस्या का समाधान भी करते हैं। इस समय भी जो हालात पैदा हुए हैं उसमें मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। और आपने देखा होगा कि चीन के राष्ट्रपति ने भी यह कहा है कि इस समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा भी होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, लेकिन अब बातचीत का सिलसिला चल रहा है, समाधान निकलेगा, लेकिन सब मिला जुलाकर मुझे कहना है तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस भारत के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देगी। आपने भी राजनाथ जी कल अमेरिका के, जी हां, अमेरिकन अपने काउंटर पार्ट से मार्क एस्पर से आपने बात की, और ये तब हुआ जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की टिप्पणी की थी सोशल नेटवर्किंग साइट पर राजनाथ जी, कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, लेकिन फिर इसका हमारे सूत्रों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में इसका खंडन किया, कहा ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसे समय में जब अमरीकी राष्ट्रपति कहते हैं कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की तो स्टेटेड लाइन है कि कोई भी बायलैटरल इशू होगा तो वो बायलैटरली ही सॉल्व होगा, हमें मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। कल मैंने अमेरिका के अपने काउंटर पार्ट मार्क एस्पर से भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि भारत और चाइना के बीच जब कभी इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने का, उनका समाधान निकालने का एक अपना मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का उपयोग करते ही हमारी यह कोशिश है कि उस समस्या का समाधान हो जाए। मैंने यह भी बताया कि चीन के राष्ट्रपति ने भी यह इच्छा व्यक्त की है, इसलिए मध्यस्थता का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जब बातचीत चल रही है तो मध्यस्थता का कोई औचित्य भी नहीं है। जी राजनाथ सिंह जी, आपने कहा कि पूरे विश्व को आप समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ भारत में हमारा विपक्ष
तो कोई और ही राग अलाप रहा है। आप कुछ भी करें, प्रधानमंत्री कुछ भी करें, सिर्फ उसमें कमियां ढूंढते हैं। जब पूरे भारतीय पॉलिटिकल क्लास को एक साथ खड़े होना चाहिए, विपक्ष को आपके साथ खड़े होना चाहिए, तब भी वो आपके ऊपर और हमारी फौज के ऊपर सवाल उठाते हैं। वो राहुल गांधी हैं, कई और ऐसे नेता। देखिए, राजनीति केवल दल के लिए नहीं की जाती है, राजनीति यदि की जाती है तो देश के लिए राजनीति की जाती है। और मैं समझता हूं कि जब संकट की घड़ी हो किसी देश के सामने, तो उस समय आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला बंद होना चाहिए, सबको कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े होना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति देश में पैदा हुई है, तो हमारे चाहे पहले के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी अथवा अन्य नेता रहे, उस समय संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़े रहे हैं। अब इंदिरा जी की भी याद दिलाना चाहता हूं, उस समय भी जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, जब बांग्लादेश बना था, उस समय संसद में खड़े होकर हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी की भूरी प्रशंसा की थी। यह विवाद करने का समय नहीं है, मिलजुल कर समस्या का समाधान करने का है, चुनौती को स्वीकार करने का है, उस पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेने का है। राजनाथ जी, आपने अब से कुछ दिन पहले ही, अगर मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, 75 किलोमीटर लंबी सड़क कैलाश मानसरोवर कि आपने अभी एक इनॉग्रेट किया, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के थ्रू जाती है। आपने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया क्योंकि COVID-19 चल रहा है। लेकिन नेपाल ने, राजनाथ जी, भारत के कई हिस्सों को एक ऑल्टर्ड मैप में अपना हिस्सा बता दिया है। इस सुविधा, क्योंकि ये भी एक दुविधा हो गई है अब, क्योंकि नेपाल तो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता था, लेकिन किसी का दबाव पड़ रहा है नेपाल के ऊपर भी। अब ये हो सकता है, लेकिन जहां तक नेपाल का प्रश्न है, नेपाल को हम अपना एक पड़ोसी ही नहीं बल्कि बिल्कुल पारिवारिक मानते हैं, अपने भाई की तरह नेपाल को मानते हैं। नेपाल के साथ को लेकर यदि कहीं पर कोई मतभेद पैदा होंगे, तो मैं समझता हूं हम लोग मिल बैठकर उसका समाधान निकाल लेंगे। और भारत ने पहले भी कहा है कि नेपाल को लिपु लेख वाली जो सड़क, जिसका उद्घाटन मैंने किया था, उसको लेकर कोई आपत्ति है तो मिल बैठकर उसका हम हल निकालेंगे, उस पर हम बातचीत करने को तैयार हैं। यह बात स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कही है और करेंगे उनके साथ बातचीत। मैंने नेपाल के साथ तो कन्फ्रंटेशन लेने की अब सोच भी नहीं सकते कभी। जी, भारत तो नहीं सोच रहा है राजनाथ जी, और हमेशा से नेपाल भी साथ ही रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से, जब से वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन चेंज हुआ है, ओली साहब कभी इधर कभी उधर, कभी इधर की बात करते हैं तो कभी चीन की बात करते हैं, तो इससे नेपाल एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है भारत के लिए भी। तो उसको ठीक रखते, मतलब आपको लगता है कि हम उसको मेंटेन कर पाएंगे, हम नेपाल को अपनी तरफ रख पाएंगे? नहीं, हमारी कोशिश यही है, कि हम बातचीत करके जो भी एक डिफरेंसेज हैं, पर्सनल डिफरेंसेज हैं, उसको आप दूर करेंगे। जी, आपने, राजनाथ जी, जब आप पहली बार रक्षा मंत्री बने इस सरकार में, इससे पहले आप गृह मंत्री थे 5 साल, तो आपने जो पहला इंटरव्यू दिया हमारे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को, तो आपने ये कहा था, राजनाथ जी, कि पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक जंग होगी और ये सरकार वो करेगी जो कोई और ना कर सका। आपने किया भी, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके सब कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान का अभी भी कोई एक निर्णायक सॉल्यूशन, जिसे कहते हैं राजनाथ जी, नहीं निकला। हमारे जाबाज, हम आपसे बात कर रहे हैं अभी, अब से 3 दिन पहले ही हमारे जाबाज सैनिकों ने एक और पुलवामा जैसा इंसिडेंट ना हो, उसको उन्होंने धराशायी किया। लेकिन इसको, इसका एक फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, राजनाथ जी? अब फाइनल सॉल्यूशन के बारे में तो इस समय मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता हूं कि इसका फाइनल सॉल्यूशन कब निकलेगा, लेकिन समय के साथ निकलेगा। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि हमारी चाहे सेना हो, चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, चाहे हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के आधार पर इस आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है। एक एक आतंकवादी का सफाया वो कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। आपने एक बात और कहा था, कही थी राजनाथ जी, आपने कहा था कि अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो पीएके के लेकर बात होगी। आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर भी एक बहुत ही एक निर्णायक स्टेटमेंट दी थी, राजनाथ जी। तो पीओके तो भारत मानता ही है कि पीओके हमारा है,
नहीं, अब तो हम वहाँ के तापमान भी अब हम बताने लगे हैं पीओके के शहरों का राजनाथ जी, तो अब अगला कदम क्या है? हाँ बिल्कुल, क्या क्या मैं बगला जो भी होगा, ऐसा भविष्य के गर्भ में चीजें हैं जी, बिल्कुल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं दोबारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ राजनाथ जी। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने एक कमेंट किया था, उन्होंने भारतीय सेना और फिर नेपाल के चलते एक कमेंट दिया था। कांग्रेस पार्टी खासकर आर्मी चीफ को भी छोड़ती नहीं है, कहती है कि आर्मी चीफ के कमेंट्स इनसेंसिटिव हैं, कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जो बोला उससे इंडियन आर्मी में फूट पड़ जाएगी। राजनाथ जी नहीं नहीं, नहीं कोई सवाल ही नहीं है, हमारी इंडियन आर्मी पूरी तरह से एकजुट है जी, बिल्कुल। और या आरोप प्रत्यारोप का सुरक्षा के सवाल को लेकर या आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला नहीं चलना चाहिए, यह देश के हित में नहीं है, सबको इससे बचना चाहिए। राजनाथ जी जवानों पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया, वो जवान जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, अब आर्मी चीफ पर, आप पे तो उठाते ही उठाते हैं, तो इसकी कुछ तो सीमा होनी चाहिए। अब क्या सीमा होनी चाहिए यह देश ही तय कर देगा किसकी क्या सीमा होनी चाहिए जी। मुझे कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहना, बस परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे कि जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वह राजनीति देश के लिए राजनीति करें। राजनाथ जी अभी अब से कुछ दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, तो उसके अंदर डिफेंस सेक्टर को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, भारत किस तरह से सेल्फ रिलायंट बने डिफेंस में, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट दिया गया है। 400 करोड़ रुपए तो सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिएगा, ये सिर्फ मतलब अलग से रखे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं आपके मंत्रालय में जिससे भारत डिफेंस के सेक्टर में भी, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। राजनाथ जी देखिए, पहला फैसला तो डिफेंस के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला जो हुआ वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पोस्ट क्रिएट हुई और इस पर यह नियुक्ति भी हो गई और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय काम कर रहे हैं ताकि तीनों फोर्सेस के बीच म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन रहे और साथ ही साथ ज्वाइंट मैनशिप भी लाई जा सके। इस उद्देश्य से यह नई पोस्ट का क्रिएट किया गया था। और 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तो उसी समय मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का फैसला हमारी सरकार ने किया था और उस दिशा में हमने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। अब तक बहुत सारे डिफेंस ऐसे आइटम्स होते हैं कि हमको दुनिया के दूसरे देशों से हमको आयात करना पड़ता है, लेकिन हम भारत को केवल एक इम्पोर्टिंग कंट्री के रूप में ही, यानी आयात करने वाले देश के रूप में ही बनाकर नहीं रखना चाहते, बल्कि हम भारत को एक एक्सपोर्टिंग कंट्री इस विश्व की बनाना चाहते हैं, यानी निर्यात करने वाली यह कंट्री बनाना चाहते हैं और उस दिशा में हमारी सरकार इस समय काम कर रही है। हम राजनाथ जी इस समय कोरोना काल में बात कर रहे हैं, कोरोना जैसी एक अभूतपूर्व बीमारी ना ही कभी आई है और भगवान करे ना ही कभी आए, लेकिन जिस तरह से हमारी सेना भी इसमें बिल्कुल कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रही है, आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसका हमारी सेना पे भी इसका एक रिवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा? हम इसे लड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं राजनाथ जी। नहीं नहीं, लड़ने कोशिश सेना के ऊपर इसका रिवर्स इम्पैक्ट क्यों होगा? कोरोना के इस संकट से बचने के लिए जो प्रिकॉशन आम आदमी को लिए जाने चाहिए वह सब सारे प्रिकॉशन हमारी आर्मी भी ले रही है जी। और आप सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं इस सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप लगभग रोज आप बैठक करते हैं, हर दिन आपकी बात होती है, भारत सरकार के लिए भी ये एक अभूतपूर्व सिचुएशन है कोरोना से लड़ना, आपको लगता है कि भारत इससे निकल पाएगा? कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से हमारा विपक्ष हर दिन सवाल उठाता है और कहता है कि कोविड-19 भी जैसे मानिए सरकार की गलती हो, तो कोविड-19 से निपटने के लिए क्या आपको लगता है कि ये भारत सरकार इस समय सही कदम और काफ़ी कदम उठा रही है? राजनाथ जी देखिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए सही समय पर जो सही फैसला करना चाहिए वो हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, और न किया होता तो मैं समझता हूँ कि आज स्थिति काफ़ी बदतर हो गई होती। मैं मानता हूं कि उन फैसलों के कारण कुछ कठिनाइयां भी पैदा हुई हैं, लेकिन वो मजबूरी थी, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं था, और यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में, कोरोना-19 से प्रभावित देशों में भारत की रैंकिंग काफी नीचे है, हम 9वें-10वें स्थान पर आते हैं। भाई दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में कोरोना के कारण किस प्रकार के बदतर हालात पैदा हुए हैं उसे स्वयं आप देख रहे हैं।
तो सचमुच जिस सूझबूझ के साथ प्रधानमंत्री ने ये कोरोना से लड़ने के लिए फैसले किए हैं और जो कदम उठाए हैं उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। राजनाथ जी, आप शायद उन बहुत कम नेताओं में से हैं जो इस सरकार में भी हैं, इससे पहले तो आप गृह मंत्री थे, उससे पहले आप वाजपेयी जी की सरकार में भी आप मंत्री थे, तो ये जो एक समय काल है, ये जो एक फर्क है, इसमें कई बार लोग कंपैरिजन्स करते हैं। मैं वो कंपैरिजन नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपसे वो कंपैरिजन नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज के बदलते समय के अनुसार आपको लगता है कि भारत सही राह पे चल रहा है रक्षा मंत्री जी? बिल्कुल, मैं मानता हूं भारत सही राह पर जा रहा है। संकट बड़ा है इस कोरोना के कारण, मैं मानता हूं। आर्थिक चुनौती भी इसके कारण जो है पैदा होगी, लेकिन हर चुनौती का हम मुकाबला करेंगे और सारे देशवासियों का एक विश्वास हासिल है, सारे देशवासी एकजुट होकर इस पर विजय प्राप्त करेंगे। और यह जो चुनौती है इसे हम अवसर में बदल कर रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ऐसा आपका विश्वास है तो चुनौती को अवसर में बदलेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।